बम बम भोले जय भोले की। मित्रों मेरे प्यारे साथियों, मैं पंडित राजगुरु शर्मा और आप सभी का हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मित्रों मेरे प्यारे साथियों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि ये कांवड़ में जल लाने की प्रथा कब से शुरू हुई है, यानी कि सबसे पहले कांवड़ कौन लेकर आया था और कांवड़ क्यों लाई जाती है और देवों के देव महादेव पर गंगा जल क्यों चढ़ाया जाता है और बम बम का जो भोलेनाथ का जयकारा है ये कब से लगाया जाता है, इससे क्या होता है, ये सारी जानकारी आज हम आपको बताने वाले हैं। इससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि यदि आपने अभी तक हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली हर ज्ञान वर्धक ऑडियो वीडियो समय समय पर देखने के लिए मिलती रहे। साथियों हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल पर जो भी आपको जानकारियां मिलती है या मिलती रहेंगी वो बिल्कुल सत्य और सटीक मिलेंगी, उनसे आपके जीवन में कोई ना कोई प्रकाश होगा, कोई ना कोई आपको सटीक जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने अभी तक हिंदू शास्त्रों में, ग्रंथों में, पुराणों में या बुजुर्गों के मुंह से या साधु संतों के मुंह से ये सुना है कि भगवान श्री राम पहले कांवड़ लाए थे। बहुत से लोग कहते हैं कि पहले कांवड़ भगवान परशुराम लाए थे, बहुत लोग कहते हैं कि पहले कांवर श्रवण लाया था और बहुत लोग कहते हैं कि पहले कांवर रावण लाया था। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि पहले कांवड़ कौन लाया था, ये आज आपको सटीक जानकारी दूंगा। इसके पीछे प्राचीन शास्त्रों में एक बहुत बड़ी कथा है जो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सुनाने वाला हूं। सभी दर्शक, सभी हमारे भाई बहन, सभी कांवरिया और सभी देवों के देव महादेव के भक्त भोलेनाथ, जितने भी कांवड़िया हैं, आज सभी ध्यान से ध्यान लगाकर सुने कि पहले कांवड़ क्यों कौन लाया था और कब लाया था, किस कारण से लाया था और बम बम का नारा कब भोलेनाथ ने लगाया था और कांवड़ किसका रूप है, ये भी आज हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। त्रेता युग में असुरों का बल बहुत ज्यादा बढ़ गया था, किसी बात को लेकर असुरों में और देवताओं में युद्ध छिड़ गया, जिसके कारण असुरों का जो बल ज्यादा भारी था, इस कारण से देवता असुरों के बल के आगे हारने लगे। धीरे धीरे असुरों ने इंद्रलोक पर भी आक्रमण कर दिया और इंद्र भगवान का सिंहासन छीनकर इंद्र को इंद्रलोक से भगा दिया। असुरों की सत्ता भारी बढ़ने लगी, भारी बल और ज्यादा बढ़ने लगा और उनका प्रभाव चारों तरफ फैलने लगा। देवताओं को जब लगा कि अब हम असुरों से जीत नहीं सकते हैं और ये कुछ दिनों में ही हमारा असुर नाश कर देंगे, तो सभी देवतागण और इंद्र भगवान विष्णु भगवान जी के शरण में गए और वहां जाकर विष्णु भगवान जी से प्रार्थना करी, साथ ऐसे ऐसे घटना हो रही है, असुरों का बल भारी होता हुआ जा रहा है और जिसके कारण देवताओं का विनाश होता जा रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो असुरों का ही स्वर्ग लोक में हो या धरती पर, सब जगह असुरों का राज होगा, इसलिए हे स्वामी विष्णु भगवान जी हमें असुरों के बल से, इनके प्रभाव से हमें बचाइए। तब विष्णु भगवान जी बोले, आप चिंता ना करें, मैं आपको एक हल बताता हूं, एक विधि बताता हूं, आप एक काम करिए, आप सारे देवता मिलकर असुरों के साथ समुद्र मंथन कीजिए और समुद्र मंथन करते समय उसमें अमृत निकलेगा, आप उस अमृत को पी लेना, आपको फिर कोई भी नहीं मार सकता, आपका बाल ही बाका नहीं कर पाएंगे। तो सारे देवता गण असुरों के पास जाकर इस राज को बता देते हैं, असुर और देवता गण सारे मिलकर समुद्र मंथन करते हैं तो उसमें अमृत निकलेगा और जो भी उस अमृत को पी लेगा वो अमर हो जाएगा, उसे कोई मार नहीं सकता।
इस बात को सुनकर असुर भी राजी हो गए और देवतागण भी राजी हो गए। दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन करने की तैयारी कर ली। रस्सी की जगह तो नागवासुकी का प्रयोग किया और मंदराचल राय का इस्तेमाल किया। एक तरफ असुर और दूसरी तरफ देवतागण मिलकर समुद्र मंथन करने लगे। समुद्र मंथन करते समय कालपूत विष का आरंभ हुआ। जैसे ही देवतागणों ने और असुरों ने समुद्र से बाहर कालपूत विष को निकाला तो उसमें बहुत ज्यादा तेज था, जिसके कारण सारे असुरों की आंखें और देवतागणों की आंखें बंद हो गई। दूसरे पल में देखते हैं कि कालपूत विष के कारण जो समुद्र में जीव जंतु थे वो मरने लगे। कालपूत विष के कारण अग्नि की जो ज्वाला थी वो बहुत ज्यादा नुकसान करने लगी। जो भी वहां ऋषि मुनिगण थे वो बोले, एक काम करो, हम सभी मिलकर भगवान भोलेनाथ के पास चलते हैं, वही देवों के देव महादेव हैं, वही इसका कोई ना कोई समाधान करेंगे। सभी देवतागण और सभी ऋषिगण के पास, देवों के देव भगवान महादेव के पास पहुंचते हैं और अपनी सारी परेशानी को जाकर बताते हैं कि हे भोलेनाथ, समुद्र मंथन करते समय कालपूत विष का आरंभ हुआ है, उसकी अग्नि के कारण नुकसान हो रहा है, यदि ऐसा ही चलता रहा तो सृष्टि का नाश हो जाएगा, जलकर भस्म हो जाएगी। तो देवों के देव महादेव ने उनकी परेशानी को सुना और जब देखा कि ये सच बोल रहे हैं, कालपूत विष को जैसे ही भगवान शिव ने अपने गले में उतारा, भगवान शिव शंकर मूर्छित होकर वहां गिर पड़े। भगवान शिव को जैसे ही मूर्छा आई तो गोरा माता वहां चीख चीख कर रोने लगी कि हे स्वामी ये क्या हो गया। वहां पर विष्णु भगवान जी आए और बोले कि हे देवी, आप दुखी ना हो, परेशान ना हो, आप एक काम करो, बहुत जल्दी से जल्दी जितना हो सके गंगा जी से गंगा जल लेकर आइए और उस गंगा जल से महादेव को नहलाइए। जैसे ही आप महादेव को नहलाएंगे ये महादेव जी ठीक हो जाएंगे। गोरा माता बहुत दुखी थी, परेशान थी, चिंतित थी, वो दौड़कर नंगे पांव जंगल की तरफ बढ़ी और वहां से एक सीधी सी लकड़ी तोड़ी किसी पेड़ से और उसमें दो कलश लटका लिए। गंगा से गंगा जल भरकर कांधे पर गोरा माता गंगा जल को लाती है और भोलेनाथ को जैसे ही गंगा जल से नहलाती है भोलेनाथ की मूर्छा खुल जाती है और भोलेनाथ बम बम करते हुए खड़े हो जाते हैं। जैसे ही भोलेनाथ शिव शंकर मूर्छा से उठकर खड़े होते हैं और बम बम बोलते हुए खड़े होते हैं तो माता पार्वती भी खुश होती है और सभी देवी देवता गण प्रसन्न होते हैं और भोलेनाथ शिव शंकर के साथ साथ सभी मिलकर बम बम का जयकारा लगाते हैं। मित्रों, उसके बाद सभी देवी देवता गण शिव शंकर भगवान के हाथ जोड़कर स्तुति करते हैं और भगवान शिव शंकर को प्रणाम करते हैं। चारों तरफ खुशी का माहौल बन जाता है और उसके बाद भगवान महादेव जो प्रसन्न रहते हैं वो गंगा जल से, भांग से, धतूरा से, काले तिल से, दही से, दूध से, कच्चे दूध से, अन्य बहुत सारी वस्तुएं जिनसे प्रसन्न होते हैं। लेकिन मैं उन भक्तों को बता देना चाहता हूं, भंगिया के ऊपर भजन लिखते हैं कि गोरा माता ने भांग घोटी थी, भोले बाबा ने पी थी, ऐसा कहीं भी किसी पुराण में नहीं लिखा है, किसी भी हिंदू शास्त्र में ग्रंथों में कहीं नहीं आपको लिखा मिलेगा कि गोरा माता ने भांग घोटी और भोले बाबा ने पी थी। ये भोले बाबा को बदनाम करने का, अपने भगवान को बदनाम करने का एक सबसे बड़ा षड्यंत्र है, जिसके कारण नशेड़ी लोग भोले बाबा का नाम लेकर इंजॉय करते हैं, नशे का सेवन करते हैं। अगर हमारे भगवान यदि वही नशे का सेवन करेंगे, वही नशेड़ी बन जाएंगे तो इस सृष्टि का क्या होगा। तो मित्रों, भगवान को जो गंगा जल, भांग, धतूरा, दही, दूध, शहद जो भी चढ़ाया जाता है वो इसी कारण से चढ़ाया जाता है, जिसकी जो जलन थी उसकी गर्मी को शांत करने के लिए उनको
उनको नहलाया गया था, उनके ऊपर उन चीजों को चढ़ाया गया था, उनका लेव किया गया था, तब वो इसकी गर्मी शांत हुई थी। भगवान शिव ने ना तो भांग कभी खाई थी, ना धतूरा खाया था और ना ही नशे की कोई वस्तु का सेवन किया था। सिर्फ उनकी विष की गर्मी को शांत करने के लिए उनके मस्तक पर, उनके शरीर पर, उनके सर पर उनका लेव किया गया, उनके ऊपर उनको चढ़ाया गया, उनके ऊपर उनको रखा गया। इसलिए सबसे पहले इस बात का विशेष ध्यान रख लें कि जो भी व्यक्ति, जो भी राइटर हो, जो भी भोले बाबा पर या गोरा माता पर भजन लिखे, भंगिया के ऊपर, वो लिखना बंद कर दीजिए, क्योंकि इसमें हमारे भगवानों की बदनामी है और हमारे हिंदू धर्म की बदनामी है। जो सबसे बड़े देव हैं उनकी बदनामी है। इसलिए आज से यदि कुछ लिखना है तो भगवान शिव पर अच्छा लिखिए, उनके बारे में जो सच्चाई उसे लिखिए। ये उल्टे सीधे भजन करके हर साल जो तुम लिखते हो कि भोले बाबा भांग पी रही है, गोरा माता घोट रही है, तो ये बिल्कुल षड्यंत्र है, ये बिल्कुल बदनामी काम है, गलत है, इसे बंद कर दीजिए। जितने भी कांवड़िया हैं मैं उनसे हाथ जोड़कर कहूंगा, सच्चाई को जानने की कोशिश करें और सच्चाई को पहचाने और कांवड़ की जो विधि है, जो उसका नियम है, उसी अनुसार कांवड़ को लेकर आए और बम बम करते हुए चले आए। जो भी कांवड़िया, जो भी भक्त सच्चे मन से भोलेनाथ बाबा की कांवड़ लेकर आता है, जल से उनका अभिषेक करता है, वो भक्त ना तो कभी रास्ते में कांवड़ लाता हुआ दुखी हो सकता है, ना कभी बीमार हो सकता है, और हंसता खेलता हुआ दौड़ता हुआ चला आता है। जिन भक्तों के मन में गलत फहमियां होती हैं, गलत विचारों से कांवड़ लाते हैं और उल्टे सीधे नशे का सेवन करके कांवड़ को हाथ लगाते हैं, कांधे पर लाते हैं, तो वो कांवड़ का जल अशुद्ध कर देते हैं, वो शुद्ध नहीं होता है। इसलिए बहुत सारे कांवड़िया ऐसे हैं, बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो कांवड़ को अशुद्ध कर लेते हैं, जल को अशुद्ध कर लेते हैं, वो शुद्धिकरण से उस जल को घर तक नहीं ले पाते, ला पाते हैं, और शुद्ध जल को भगवान शिव पर ना चढ़ा पाते हैं। इसलिए जो कांवड़ की विधि है उसे पूरी तरह से समझिए और पूरी श्रद्धा से, सच्चे मन से बम बम करते हुए तब कांवड़ में गंगा जल लेकर आए, फिर भगवान शिव आपकी हर इच्छा को पूरी करेंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि हमने बहुत सारी कांवड़ लाए हैं, 10 लिया है, 20 लिया है, 30 लिया है, 40 लिया है, लेकिन जब तक आप शिव शंकर भगवान की कांवड़ सच्चे मन से, नियम अनुसार, विधि विधान से नहीं लेकर आओगे, तब तक आप पर शिव शंकर भगवान, देवों के देव महादेव की आप पर कृपा नहीं हो सकती। ये बात समझ लेना। यदि कांवड़ के लिए जा रहे हैं तो सच्चे मन से जाइए, विधि विधान से जाइए और पूरे कांवड़ के नियम के अनुसार कांवड़ लेकर आइए, तभी आपके ऊपर भोलेनाथ भगवान की कृपा बरसेगी। और जो व्यक्ति मस्ती के लिए जाते हैं, 8 दिन के लिए समय बर्बाद करने के लिए जाते हैं, या नशे का सेवन करने जाते हैं, या फिर बहुत सारे गलत विचार से भी लोग जाते हैं वहां पर, तो उन भक्तों से मेरा यही कहना है कि यदि आप समय खराब कर रहे हैं, भगवान के नाम पर जा रहे हैं, तो मन और श्रद्धा से जाइए, वरना घर रहिए कोई फायदा नहीं है। और सबसे पहली बात तो यह है कि जो कांवड़िया कांवड़ के लिए जा रहा है, यदि वो अपने माता पिता की सेवा करता है, अपने बुजुर्गों की सेवा करता है, हर अतिथि का सम्मान करता है, बहन बेटी का सम्मान करता है, जिसके दिल में दया है उसी को कांवड़ के लिए जाना चाहिए, वरना पापी लोगों के लिए कांवड़ जाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो पापी लोग तो है ही पहले से, लेकिन जाते समय भी पाप करते हैं, कांवड़ लाते समय भी उनके मन में पाप के विचार होते हैं, तो वो और ज्यादा पाप में डूब जाते हैं और ज्यादा दुख संकट में फंस जाते हैं, और बाद में कहते हैं कि भोलेनाथ ने हम पर कृपा नहीं की, इसलिए हम तो परेशान है, भोलेनाथ हमारी सुन नहीं रहा है। अरे सबसे पहले आप अपने मन को शुद्ध करिए, अपने आप को, अपने विचारों को शुद्ध करिए, अपने आत्मा को साफ करिए, और सबसे पहले अपने घर के माता पिता की सेवा करिए, तब कांवड़ के लिए निकलिए, वरना जाने से कोई फायदा नहीं है। बहुत से लोग क्या करते हैं, कर्जा लेकर जाते हैं कांवड़ को, माता पिता से लड़कर जाते हैं, उन्हें मार पीट कर पैसा छीन कर ले जाते हैं, ब्याज पर पैसा ले जाते हैं, किसी से हड़प कर पैसा ले जाते हैं। अगर कांवड़ के लिए जाना है तो सबसे पहले आप अपनी आत्मा को साफ करें, अपने घर के परिवार सभी बुजुर्गों का सम्मान करें, और अपनी मेहनत की, खून पसीने की कमाई से कांवड़ को जाना चाहिए, तब आपको इसका फल मिलेगा। मित्रों, मैंने बहुत सारा आपका समय ले लिया है, बहुत से लोग मुझसे पक गए होंगे, मेरी बातों को शायद बुरा भी मान रहे होंगे, कुछ बातों का बुरा भी मान गए होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, हम बिल्कुल स्पष्ट बोलते हैं, चाहे किसी को बुरा लगे या भला लगे, सीधी सी बात है।
कि आजकल जो कांवड़ या कांवड़ के लिए लेने जा रहे हैं, कांवड़ लेने जाते हैं, सच्चाई तो यह है 100 में से एक आदमी कांवड़ लेने जाता है सच्चे मन से, बाकी तो मस्ती करने ही जाते हैं, समय बेकार करने जाते हैं और इंजॉय करने जाते हैं, गलत विचारों से जाते हैं। सीधी सी बात है, इससे अच्छा तो आप घर रहिए, जो 2-4 हजार रुपये आप खर्च करके आते हैं वो अपने परिवार के लिए खर्च करिए, या आप गांव में भंडारे होते हैं दयादार हो तो उसमें करिए। तो मैंने आपको बता दिया कि कांवड़ की प्रथा कब से चली आ रही है, बम बम का नारा कब से लगता है, कांवड़ का रूप कौन है और गंगा जल कांवड़ में क्यों लाया जाता है, पहली कांवड़ कौन लाया है, ये तो सारी जानकारी मैंने आपको दे दिया। और साथ साथ ये भी बता दिया है कि कांवड़ियों को कांवड़ लेने किन व्यक्तियों को जाना चाहिए, ये सारी जानकारी मैंने आपको विस्तार से दी और बहुत ही सटीक और सत्य दी है। लेकिन इसी के साथ साथ मैं आपको एक जानकारी और देना चाहता हूं, जो व्यक्ति जैसे गांव में भंडारा होता है, अब गांव में मैंने देखा है अपनी आंखों से कि यदि गांव में भंडारे भी होते हैं, जागरण भी होते हैं, तो वहां राजनीति पहले आ जाती है। हर गांव में 4 मोहल्ले मिलेंगे कम से कम, और 4 ही नेता मिलेंगे, 4 ही प्रधान मिलेंगे, कोई हारा हुआ मिलेगा, कोई जीता हुआ मिलेगा। यदि दूसरे मोहल्ले में पहुंच गए तो अपने मोहल्ले में खींचेगा, तीसरे में पहुंच गए तो तीसरे में खींचेगा, यानी कि अलग अलग भंडारा होना आरंभ हो जाता है। और चलो अलग अलग भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, जब होता गांव में हो रहा सही या शहर में हो रहा सही, भंडारा जो होता है ये सभी की तरफ से होता है, सभी व्यक्तियों को मिलकर करना चाहिए, चाहे 1 रुपया दे या 100 रुपया दे। धन नहीं है तो मन से किसी भी रूप में आपको सेवा करनी चाहिए, सहयोग करना चाहिए। धन नहीं तो मन से करो, मन नहीं है तो तन से करो, करो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह आती है, जो भी भंडारे के नाम पे हम दान लेने जाते हैं, राजनीति आ जाती है। अब सबसे पहली बात तो यही है कि हमारे जैसे लोगों का राजनीति से क्या मतलब, हमारे लिए तो शहर हो, गांव हो, मोहल्ला हो, सभी समान होते हैं। इसलिए गांव में 10 भंडारे हो या 10 सामाजिक कार्य हो, जो भी आपके दरवाजे पर आ रहा है उससे राजनीति ना करें, राजनीति से उसे दान ना करें। चाहे आप पे 1 रुपया है तो 1 दे दीजिए, 2 है तो 2 दे दीजिए, नहीं है तो हाथ जोड़ लीजिए, लेकिन राजनीति के नाम पर उसमें विघ्न डालने की कोशिश ना करें, क्योंकि बने बनाए खेल को राजनीतिक लोग बिगाड़ देते हैं। अरे चलो मोहल्ले 4 है, चारों में यदि किसी में भंडारा हो रहा है तो अगर वो दूसरे मोहल्ले में जा रहा है, तीसरे में जा रहा है, चौथे में जा रहा है, तो सबको सहयोग करना चाहिए। और जब उस वो दूसरे मोहल्ले का भंडारा करे, कोई भी सामाजिक कार्य करे, तो पहले वाले दूसरे तीसरे को उसका सहयोग करना चाहिए। चाहे किसी भी मोहल्ले का, किसी भी शहर का कोई भी सामाजिक कार्य करता है, कोई भी भंडारा पुण्य दान करता है, तो वहां सभी को दान करना चाहिए। वहां राजनीति नहीं आनी चाहिए, वहां ये नहीं कि तू तो पल्ले मोहल्ले का है, तू तो उसकी पार्टी का है, इसे दान देना बंद करो, ये अपना भंडारा कर लेगा, हम अपने अलग कर लेंगे। अरे तुम अलग कर लेना, लेकिन जो तुम्हारे दरवाजे तक सामाजिक कार्य के लिए आया है या भंडारे के लिए, दान पुण्य के लिए कोई तुमसे सहयोग लेने आया है, तो उसे 1-2 जो भी तुम पे बने वो दे दीजिए, लेकिन किसी का अपमान ना करें इस तरीका से राजनीति का नाम लेके। मैं उन राजनीतिक लोगों से कह रहा हूं, सबसे बड़ा पाप धरती पे राजनीति है, और राजनीति से ही कितने लोगों का नाश होता है, कितने लोगों का दिमाग बदल जाता है, कितने लोगों का अपमान होता है, और कितने लोगों को खामे खास राजनीति में घसेटा जाता है, जिनका राजनीति से कोई मतलब नहीं होता है। तो मेरा हाथ जोड़कर निवेदन ये है, चाहे जिसको बुरी लग जाए मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, सीधी सी बात है, लेकिन ऐसे लोगों से मेरा कहना यही है कि राजनीति के नाम पर षड्यंत्र रचाने की कोशिश ना करें, चाहे आप दान करो या मत करो, ठीक है ना। जो दान करने वाला होगा, जो सामाजिक कार्य करेगा, वो बिना बुलाए बिना कहे उसमें सहभागिता करता है, और सुनकर यदि उसे पता भी नहीं होता है, कोई उसे दूसरा व्यक्ति भी बता देता है, तो सुनकर वो खुद उस प्रोग्राम में जाता है और जितना भी होता है सहयोग करता है। धन से नहीं तो मन से करता है, मन से नहीं तो तन से करता है। वो जरूरी नहीं है धनी, जिसके पास धन है वो सहयोग करेगा। सबसे बड़ी बात है मन की, जो मन से और तन से करेगा उसके सामने धन कोई बड़ी चीज नहीं है। तो निवेदन मेरा यही है कि भक्ति में आना है तो अपने आप को शुद्धिकरण से आइए, ये दिखावा करके मत आइए, क्योंकि दिखावा नहीं चलता है। दिखावे की जगह आप अच्छे की जगह पाप कमा रहे हो, पुण्य कमा रहे हो। यदि पुण्य का काम कर रहे हो तो पूरी शिद्दत से, पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, राजनीति को छोड़कर, गलत विचारों को छोड़कर, और किसी के बारे में अशुद्ध विचारों को छोड़कर, किसी की निंदा करना छोड़कर, ये सब खत्म करके तब इस चीज में आइए, इस लाइन में आइए, इस भक्ति में आइए, सामाजिक कार्य में आइए, भक्ति में आइए, कांवड़े में आइए, यात्रा में आइए, भंडारे में आइए, जागरण में आइए, तब ये अच्छा लगेगा, वरना आपका समय खराब करना बेकार है। साथियों,
तो मित्रों सबसे पहले कावड़ हमने आपको बताया कौन लाया था, गोरा माता जी लाए थे, और गोरा माता ही कावड़ का रूप है, और गंगा जल से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर अपनी करुणा बरसाते हैं। सबसे पहले गोरा माता लाई थी कावड़, उसके बाद भगवान राम भी लाए थे, उसके बाद भगवान परशुराम भी लाए थे, उसके बाद श्रवण भी लाया था, और उसके बाद रावण भी लाया था। उसके बाद बहुत सारे इतिहास है, बहुत सारी कहानियां हैं जिनके बाद कांवड़ लाने शुरू हुई थी, और आजकल तो कांवड़ का रूप ही बदल गया है और कांवड़ को एक खेल बना दिया है। तो साथियों इस वीडियो से हमारी तरफ से कोई जानकारी आपको प्राप्त हुई हो या मेरी बात आपको कहीं भी थोड़ी बहुत अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और यदि मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो मैं अपनी तरफ से माफी चाहूंगा, लेकिन मैंने कोई भी गलत विचार नहीं रखे हैं, बिल्कुल अपने मन के अनुसार जो भी मेरे मन में था, जो भी मुझे अच्छा लगा वो मैंने आपके सामने रखा है। अब इसमें आपको गलत लगे सही लगे जो भी आपके विचार है हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके जरूर बताएं, ताकि हम उस पर विचार करें कि हमने कहीं गलत बोला है या हम ही गलत हैं या हमने आपको कोई गलत जानकारी दी है, तो उस पर हम सुधार करेंगे और अपनी गलती को गलती भी मानेंगे। सभी भोले के प्यारे भक्तों अब यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम और आप सभी को करते हैं नमस्कार, फिर मिलेंगे नई ऑडियो वीडियो के साथ। जब तक के लिए पंडित राजगुरु शर्मा का आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल, बम बम भोलेनाथ।